क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है डिसलेक्शिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ध्यान अभाव, अतिशक्रियता विकार। फ्रेंड्स, जो डिसलेक्शिया होता है इसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो ये एक प्रकार का पठन विकार है। जो डिसकैलकुलिया होता है इसमें बच्चा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, तो ये एक प्रकार का गणितीय विकार है। जो डिसग्राफिया होता है इसमें बच्चा लिख नहीं पाता है, देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, एंड लास्ट ऑप्शन, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक बुद्धि, ऑप्शन बी रचनात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी प्रकृतिवादी कौशल, ऑप्शन डी व्यवहारिक बुद्धि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रकृतिवादी कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। ऑप्शन ए अवधारण गठन में सुविधा, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे अ यानी कि फर्स्ट गतिविधि, न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ है बल्कि यह भी पूछा कि क्यों और कैसे। गतिविधि ब, उन्हें यानी कि स्टूडेंट्स को एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है, इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो शिक्षक किस चीज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? समानता को, आलोचनात्मक सोच को, या एकीकृत सोच को, या अवधारणा मानचित्रण को? यहाँ पर आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह की प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक या सामाजिक? यह है व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को सर्वाधिक समय या पूरा समय या कुछ समय या किसी समय नहीं, नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। समावेश शब्द का मतलब होता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, यह का एक उदाहरण है, यानी कि ये किसका उदाहरण है? आगमनात्मक तर्क का, निगमनात्मक तर्क का, अवधारणा मानचित्रण का, या परिकल्पना परीक्षण का? चूंकि यहाँ पर स्पष्टीकरण पहले ही दे दिया गया है, पहले ही समझाया गया है और बाद में निष्कर्ष निकालने को कहा गया है, तो ये उदाहरण होगा आगमनात्मक तर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रहता है, यह कहलाता है सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व या दबाव? यह कहलाता है दबाव, जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है, हेंस आइशेंक के द्वारा, आरबी कैटल द्वारा, गार्डन आलपोर्ट द्वारा, या कार्ल रोजर्स द्वारा? यह है हेंस आइशेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? ऑप्शन ए छात्र अ आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। ऑप्शन बी छात्र ब सक्रिय है और अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ऑप्शन सी छात्र स वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। ऑप्शन डी छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, छात्र बस सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है और काफी प्रयास के साथ बना रहता है
और कक्षा में उच्चतम अंक भी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, उपरोक्त कोई भी नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अपने आप में एक अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम या द्वंद्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दिमागी आरोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समायोजन तंत्र में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन या दमन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, परिमेयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक या अन्य कारक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सामाजिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है, तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा, इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है, विश्लेषण की, संप्रयोग की, समझ की या ज्ञान की। इससे व्याख्या होती है संप्रयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है, यह प्रक्रिया कहलाती है आकलन, मापन, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी, यह प्रक्रिया कहलाएगी आकलन। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन डिलीट किया गया था, यानी कि इसमें बोनस लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन ए स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन बी परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। आज की शिक्षा प्रणाली है उसको रटन से मुक्त किया जा रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है, इस प्रकार की प्रगति है सिफेलोकॉर्डल प्रगति, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, अनियमित प्रगति। फ्रेंड्स इसमें बी एंड सी दोनों ऑप्शन को करेक्ट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे तीन व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है, ऑप्शन ए अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, ऑप्शन बी एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, ऑप्शन सी आंशिक रूप से विकसित, ऑप्शन डी बेतरतीब ढंग से विकसित। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, ये विशेषता बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये डिलीट किया गया था, यानी कि इसमें बोनस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस संवृत्ति को कहा जाता है विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना या तत्परता। विलोपन तो अनुबंधन के खत्म होने को कहते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुकूलित उत्तेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। यानी ये किस सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है? थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत में, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में, टॉलमैन संकेत अधिगम में, कोहलर अधिगम सिद्धांत में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है, समावेश, समायोजन, संतुलन या ज्ञान विघ्न। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? ऑप्शन ए, आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। ऑप्शन बी, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। ऑप्शन सी, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना। ऑप्शन डी, एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र जिसकी आयु 9 साल के आसपास है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध या अंतरंगता बनाम अलगाव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, परिश्रम बनाम हीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? यह एक मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है या छात्र के प्रदर्शन के स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, छात्र के प्रदर्शन के स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चंस जो कि रीट 2017 के लेवल फर्स्ट के साइको के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।